बाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, इंडिया की एक भारी भरकम बजट में बनने वाली फिल्म आदिपुरुष ने आज 8वें दिन में एंट्री मान ली है और लगातार निगेटिव रिव्यू और निगेटिव रिएक्शन से मूवी बॉक्स ऑफिस के मामले में रोज स्लो डाउन होते जा रही है। जहां दोस्तों मूवी ने अपना पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट कर तो लिया है और जैसे तैसे एक मोटी कमाई करने में सफल भी हो गई है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, मूवी अपना बजट 650 करोड़ कवर कर पाएगी या नहीं, पहले दिन कितना कमाया, मूवी हिट है या फ्लॉप, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी आदिपुरुष से रिलेटेड लगातार अपडेट चाहते हैं और प्रभास के डाई हार्ड फैन है तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के मेन लीड में बनने वाली आदिपुरुष, जिसको ओम राउत ने डायरेक्शन किया है और लगभग 650 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली फिल्म ने अपना फर्स्ट वीक जैसे तैसे कंप्लीट तो कर लिया है और 8वें दिन में आज एंट्री मान लिया। दोस्तों अपने पहले 3 दिन तक बहुत मोटी कमाई करी थी मूवी ने, पर अपने पहले दिन से ही निगेटिव रिव्यू भी निगेटिव रिएक्शन के साथ मूवी हर दिन स्लो डाउन आंकड़ा शो करते नजर आ रही है। जहां दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के नाम पर इस फिल्म ने पहले 3 दिन खूब मोटी कमाई बटोरी थी। रामायण जैसे प्योर वर्ड का इस्तेमाल करके भी खूब रोटियां सेकी थी। दोस्तों मूवी का कंटेंट रामायण से प्रेरित होकर कुछ एक चेंजेस करके सजाया गया है जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि रामायण के साथ लोगों की सच्ची श्रद्धा जुड़ी हुई है। प्रभु श्री राम के नाम सच्चाई व अच्छाई का प्रतीक शो करते हैं और उनके नाम उनकी जीवनी के साथ छेड़छाड़ करना ये जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मूवी ने वो इज्जत व नाम नहीं कमा पाई है जो इसे कमानी थी। देखो दो नाम ही काफी थे इस फिल्म को 1500 करोड़ से ऊपर की कमाई आसानी से कमाने के लिए, प्रभास और रामायण। लेकिन ओम राउत ने जबरदस्ती कुछ चेंजेस करके VFX के नाम पर रद्दी एनिमेशन दिखा के डायलॉग बाजी में घटिया घटिया डायलॉग देकर मूवी का पूरा मजाक किरकिरा कर दिया, क्योंकि ऐसा कंटेंट लोगों की फीलिंग से सीधा कनेक्ट करता है और बिजनेस भी भरपूर देता है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों ओपनिंग का सॉलिड तरीके से करते नजर आई थी मूवी। इसी के साथ इस साल की जायंट मूवी पठान के ओपनिंग डे के कलेक्शन को भी खदेड़ दिया था। हालांकि मूवी को मिक्स रिव्यू मिले थे अपने पहले दिन ही और सबसे ज्यादा निगेटिव रिव्यू ही मिले थे, लेकिन एक बात तो है दोस्तों ये बॉलीवुड की न्यू रामायण है जिसमें मेकर्स ने अपने मन से काफी चेंजेस करके रामायण का मजाक तोड़ाया है। जहां दोस्तों अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया से टोटल ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 103 करोड़ के पास करके और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज को मिलाकर 140 करोड़ से ऊपर का कर दिया था अपने पहले दिन में ही। इसी के साथ दूसरे दिन भी सिर्फ 100 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आई थी पूरी दुनिया से। मूवी ने दूसरे दिन भी जबरदस्त ट्रेंड किया, लेकिन क्रिटिक्स और नेगेटिव रिव्यू लगातार भी मिलते रहे। इसी के साथ तीसरे दिन भी सेम ट्रेंड रहा, 100 करोड़ की ही कमाई तीसरे दिन भी कर पाई मूवी और जबरदस्त ट्रेंड भी करी और साथ ही अपने चौथे दिन ही ह्यूज डाउनफॉल के साथ पूरी दुनिया से मात्र 35 करोड़ की कमाई करी, जो अचानक इतना बड़ा डाउनफॉल सिनेमा इंडस्ट्री में एकदम से खलबली मचा गया। इसी के साथ 5वें दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी दुनिया से लगभग 23 करोड़ के आसपास ही रहा था, जो और स्लो डाउन हो गया था, जो कि पहले 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म मेकर्स द्वारा रिलीज कराया गया था पूरी दुनिया से मात्र 390 करोड़ के आसपास। दोस्तों इतने खराब रिव्यू मिलने के बाद भी मूवी 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई अपने 4 ही दिन में। सोचो अगर मूवी को अच्छे रिव्यू मिलते तो क्या ही आग लगा दी, मतलब 500 करोड़ 3 दिन में नेट थे। वहीं दोस्तों अपने 6वें दिन भी मात्र 14 करोड़ की कमाई कर पाई थी मूवी। इसी के साथ कल यानी अपने 7वें दिन भी कोई अच्छी कमाई करते नजर नहीं आई। जहां दोस्तों रोज डे बाय डे बिग डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले। जहां इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिन में अच्छी कमाई कर लिया था, लेकिन 3 दिन के बाद एक बार भी 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल ना रह पाई मूवी। जहां दोस्तों कल पूरी दुनिया से सिर्फ 11 करोड़ की ही कमाई कर पाई थी। और बात करें आज कैसी ग्रोथ है मूवी की, आज भी मेकर्स की तरफ से स्ट्रेटजी में चेंजेस आया है। जी हाँ दोस्तों आज भी 3D स्क्रीन्स का प्राइस 150 करोड़ तक ही दिया गया है और आज पूरी दुनिया से हिंदी साउथ और ओवरसीज मिलाकर मूवी लगभग 8 करोड़ तक की ही कमाई करते नजर आ रही है अपने एंड ऑफ द डे तक, जो कि बहुत बुरी हालत शो करता है मूवी की। इसी के साथ एंड ऑफ द डे तक हिंदी कलेक्शन अपने 7वें दिन तक 140 करोड़ हो जाएगा और नेट हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, जो कि एक बहुत एवरेज और बहुत छोटा नंबर है इतनी बड़ी फिल्म के लिए। और पूरी दुनिया से ये नंबर टोटल कलेक्शन टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मात्र 30 करोड़ के आसपास पहुंचा सकती है अपने एंड ऑफ द डे तक। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, मूवी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है या अभी भी हिट हो सकती है, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी मूवी देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, फटाफट अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।